इस वीडियो में हम बात करेंगे 1984 की फिल्म द होली इनोसेंट्स के बारे में, जो कहानी है फ्रांस के एक गांव और उस गांव में रहने वाले किसानों की। अजारियास नाम का एक किसान फ्रांस के किसी छोटे गांव से दूर पहाड़ियों में रहता है। वो दिमागी तौर से कमजोर है और अपनी बहन रेगुला, उसके पति पाको और उनके 3 बच्चों के साथ रहता है। पाको का बड़ा बेटा किर्से एक सैनिक है और बड़ी बेटी नियेवेस एक फैक्ट्री में काम करती है। उस छोटे से पिछड़े हुए गांव को देखकर किर्से अपने अतीत को याद करने लगा। उसके पिता पाको ने उसे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की और पाको और उसकी पत्नी रेगुला दोनों जानते थे कि नियेवेस उस घर में सबसे ज्यादा समझदार है। उनकी सबसे छोटी बेटी चारितो भी दिमागी तौर से कमजोर है और उस परिवार को कई मुश्किलों के साथ एक झोपड़े में रहना पड़ रहा था। जिस घर में पाको अपने परिवार के साथ रहता है, उस घर का मालिक इवान है। पास के एक एस्टेट का मालिक अक्सर शिकार करने अजारियास को अपने साथ ले जाता है और अजारियास भी उसी एस्टेट में रहता है। एक दिन अजारियास को पता चला कि उनका पालतू उल्लू बीमार है, पर जब उसने यही बात अपने मालिक को बताई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अजारियास पक्षियों से प्यार करता था, इसलिए वो परेशान रहने लगा, पर वो अपने उल्लू को बचा नहीं पाया। पाको के मालिक इवान का मैनेजर पाको को एक बेहतर घर में रहने की इजाजत दे रहा था और वो लोग पहाड़ों से निकलकर गांव की ओर जाने लगे। उस वक्त अजारियास अपने मरे हुए उल्लू को लेकर रेगुला के पास आया और उसके कहने पर उस उल्लू को वो वहां से दूर दफनाने चला गया। किर्से और नियेवेस इस जिंदगी से खुश नहीं थे, पर पाको खुश था क्योंकि अब उसके बच्चे स्कूल जा पाएंगे। खुशी खुशी वो लोग एक नए घर में गए और वो घर एक झोपड़े से काफी बेहतर था। कुछ देर बाद इवान का मैनेजर पेड्रो वहां आया और रेगुला और पाको को उनका काम समझाने लगा। पाको और रेगुला दोनों ही इवान के लिए नौकरी करके खुश थे, पर फिर पेड्रो ने कहा कि वो चाहता है नियेवेस उसके घर में मेड का काम करे और ये सुनकर वो दोनों निराश हो गए। उन्हें अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना छोड़कर अब अपनी ही तरह उसे एक नौकर बनाना पड़ गया। एक तरफ जहां पाको इवान के जानवरों को संभालने का काम करता था, तो वही किर्से अपने मामा के साथ इवान के खेतों में काम करता था और अपने मामा की हरकतें देखकर वो परेशान था। एक दिन अजारियास ने बताया कि उसे उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो उनके घर में रहना चाहता है और इवान के खेतों में काम करना चाहता है। पर रेगुला ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसके बूढ़े होने की वजह से उसे निकाल दिया गया है। इस बारे में बात करने जब पाको अजारियास के मालिक के पास गया तो उसने कह दिया कि वो एक ऐसे आदमी को काम पर नहीं रख सकता जो खुद के पेशाब से हाथ धोता है। पाको ये सोचकर परेशान था कि 2 कमरों के घर में वो अजारियास को कहाँ रखेगा, पर अजारियास के मालिक ने पाको की कोई मदद नहीं की। अजारियास अब उस परिवार के लिए बोझ बन गया था, पर उसके साथ हो रहे बर्ताव से रेगुला खुश नहीं थी, इसलिए वो अजारियास को बाकियों से दूर चारितो के साथ रहने के लिए कहती रही। सालों तक कीर से उस खेत में काम करता रहा, पर आज उसने और नियेवेस दोनों ने उस घर का काम छोड़ दिया क्योंकि वो गुलाम बनकर जीना नहीं चाहते थे। नियेवेस के जरिए किर्से को चारितो की मौत की खबर मिली, इसलिए वो अपने माता पिता से मिलने उनके झोपड़े की ओर जाने लगा, पर चारितो की मौत कैसे हुई ये नियेवेस ने उसे नहीं बताया। कुछ सालों पहले पेड्रो के कहने पर रेगुला नियेवेस को उसके घर ले गई और उस घर में जाते ही नियेवेस को गंदगी नजर आई। पेड्रो की पत्नी प्योरिता कोई काम नहीं करती थी और घर में साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम उसने नियेवेस को दे दिया। पाको अपने काम के बारे में गर्व से बताया करता था, पर किर्से को ये बात अच्छी नहीं लगी कि किसी और का नौकर बनकर वो और उसकी माँ खुश है। इवान अक्सर अपने एस्टेट आया करता है, पर वहाँ आने के उसके सिर्फ 2 मकसद थे। एक था शिकार करना और इवान के इस शिकार के प्यार से सबसे ज्यादा खुश पाको था। इवान का दूसरा मकसद अपने मैनेजर की पत्नी प्योरिता से मिलना था, जो उसके आने का इंतजार किया करती है। पेड्रो ये समझने लगा था कि प्योरिता और इवान के बीच कुछ चल रहा है, पर उनके अफेयर को लेकर वो कुछ कर नहीं पाया। मौका मिलते ही इवान पेड्रो को घर से दूर भगा दिया करता है और उसके पीठ पीछे प्योरिता के साथ अपना अफेयर जारी रखता है। और एक दिन नियेवेस ने यही करते हुए उन्हें देख लिया। उस दिन पेड्रो ने अजारियास को गेहूं चुराते हुए देख लिया और उसे मारकर वहां से भगाने लगा। इस बात का बदला वो रेगुला से लेने लगा और उसे पहले से ज्यादा काम देने लगा। नियेवेस ने जब प्योरिता के अफेयर की बात की तो रेगुला ने उसे समझाया कि उसे इन बातों को देखकर अनदेखा करना होगा। कुछ दिनों बाद एस्टेट की असली मालकिन और इवान की माँ मार्केसा वहाँ आई। वो अपने साथ एक पोप को लाई और वो सब उस रात के जश्न की तैयारी करने लगे। मार्केसा सारे नौकरों को बोनस के तौर पर कुछ पैसे देने लगी और ऐसा करने के बाद उसकी नज़र नियेवेस पर पड़ी। वो नियेवेस के काम से इम्प्रेस होने लगी और ये सोचने लगी कि थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर वो उसे शहर में अपनी मेड बना सकती है। मगर पेड्रो नियेवेस को अपने घर से जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी कुछ काम करती ही नहीं।
शाम को टहलते हुए मार्केसा और उसकी बेटी ने अजारियास को देखा और उसके रूप को देखकर मार्केसा को घिन आने लगी। वो कहने लगी कि अजारियास को एक पागल खाने में होना चाहिए, पर रेगुला ने कह दिया कि जब तक वो जिंदा है अपने भाई को किसी पागल खाने में नहीं डालने वाली। मार्केसा की बेटी मिरियम को अजारियास से कोई तकलीफ नहीं हुई, पर जब मार्केसा बुरा बर्ताव करने लगी तो रेगुला ने बताया कि उसका भाई बुरा नहीं है, सिर्फ भोला है। कुछ वक्त बाद अजारियास मिरियम को अपना पाला हुआ पक्षी दिखाने ले गया। अचानक उस वक्त चारीतो चिल्लाने लगी और उसकी चीख सुनकर मिरियम डर गई। वो चारीतो की हालत देखकर घबराने लगी और जल्द से जल्द अपनी माँ के साथ वहाँ से चली गई। अगले दिन पेद्रो अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। कुछ वक्त बाद वो इवान के साथ चर्च पहुंची और उसकी बेशर्मी से पेद्रो और परेशान होने लगा, मगर इस बार भी वो कुछ नहीं कर पाया। चर्च में कम्युनियन खत्म होने के बाद जश्न शुरू हुआ और वहाँ काम कर रहे सारे लोग खुशी से इस जश्न को मनाने लगे। दूसरी ओर उनके मालिक एक अलग तरीके का जश्न मना रहे थे। सारे नौकर मार्केसा को अपना भगवान मानते थे और मार्केसा भी इस बात का फायदा उठा रही थी, इसलिए कीर से इस जगह से निकलकर दूर जाना चाहता था और सालों पहले उसने वही किया। आज जब वो अपने बूढ़े माता पिता से मिलने आया तो सालों बाद उसे देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि अब वो इतने अकेले हो चुके हैं कि कोई भी उनसे मिलने तक नहीं आता, मगर कीर से खुद भी सिर्फ अलविदा कहने आया था क्योंकि अगली सुबह वो वापस निकलने वाला है। इसी अकेलेपन में पाको भी उस वक्त के बारे में सोचने लगा जिस वक्त उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर थी। वो इवान के साथ शिकार पर जाया करता था और इवान के शिकार इकट्ठे करने का काम किया करता था। हर कोई जानता था कि पाको से बेहतर ये काम कोई और नहीं कर पाता। वो सब उसे उसका काम करते देख मजे लेते थे और उसे एक कुत्ते से ज्यादा कुछ और नहीं समझते थे। एक दिन इवान ने पाको और रेगुला को अपने घर बुलाया और अपने मेहमानों के सामने किसी एग्जीबिशन की तरह उन्हें पेश किया। वो उन सबको दिखा रहा था कि उन्होंने दो अनपढ़ लोगों को पढ़ा लिखा कर काम दिया है। इस सबसे पाको को शर्मिंदगी तो हुई, पर वो चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। वो अजारियास की देखभाल करने लगा और उसे साफ सफाई रखने के लिए जंगल की ओर ले जाने लगा। ऐसा करने से उसे अजारियास की वजह से हो रही शर्मिंदगी से बचने का मौका मिल गया। एक दिन शिकार करते हुए इवान पाको से जबरदस्ती पेड़ पर चढ़ने के लिए कहने लगा और इवान की बात मानकर जब पाको पेड़ पर चढ़ने लगा तो डाली टूटने से वो जमीन पर गिर गया और उसका पैर टूट गया। इवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी वजह से पाको का पैर टूट गया है, बल्कि वो ये सोचने लगा कि अब वो आने वाले शिकारियों के कॉम्पिटिशन में शिकार कैसे करेगा। मजबूरी में पाको ने ये काम कीर्से को करने के लिए कहा, पर वो ये काम नहीं कर पाया, इसलिए इवान निराश होने लगा और बेचैन होकर उसने पाको से कह दिया कि वो उसका काम अजारियास को देना चाहता है क्योंकि वो पक्षियों के साथ सालों से रह रहा है। डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि पाको कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा, पर अब भागदौड़ करने का काम वो नहीं कर पाएगा। कीर्से अपने पिता को संभालने की कोशिश कर रहा था और उस वक्त इवान अजारियास को उसके पालतू पक्षी के बारे में पूछने लगा। इवान ने पाको को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि वो अजारियास को शिकार के कंपटीशन में ले जाएगा, मगर पाको ने बताया कि वो ये काम कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो दिमागी तौर से कमजोर है। कुछ दिनों बाद इवान पाको के पास फिर से आया और उससे कहने लगा कि शिकारियों के कंपटीशन के दिन उसे आना ही होगा, वरना वो कंपटीशन हार जाएगा। वो जबरदस्ती पाको को चलने के लिए कहने लगा, पर पाको ऐसा कर नहीं पाया। दिन रात पाको अपने मालिक के लिए पैर ठीक करने की कोशिश करता रहा और कंपटीशन के दिन इवान जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। पाको को आराम की सख्त जरूरत थी, फिर भी उसे अपने मालिक के साथ जाना पड़ा। रेगुला को अपने पति की फिक्र सता रही थी, पर वो भी उसे जाने से रोक नहीं पाई। इवान का काम करते हुए पाको की हालत बद से बदतर हो गई और उसका पैर फिर से टूट गया, मगर अब भी इवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। इवान की जिद की वजह से उस दिन पाको ने हमेशा के लिए अपना पैर खो दिया और आज उसे फिर से रेगुला के साथ उसके पुराने झोपड़े में भेज दिया गया, जहां टूटे पैर के साथ ही वो शिकार करने की कोशिश करता है और इस बार सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए। कीर्से के जाने का वक्त आ गया था और वो शहर जाकर मैकेनिक का काम करने वाला था। जाने से पहले रेगुला ने उसे अजारियास के लिए कुछ कपड़े दिए और पाको और रेगुला फिर से अकेलेपन में जीने के लिए तैयार हो गए। शहर पहुंचते ही कीर्से एक पागल खाने में गया जहां अजारियास को भर्ती किया गया था। रेगुला के दिए कपड़ों में अजारियास का नेकलेस भी था, जिसे देखकर उसने कीर्से को चारीतो की मौत और अपने पागल खाने में आने के कारण के बारे में बताना शुरू किया। हमेशा की तरह अजारियास चारीतो के साथ वक्त बिता रहा था और उस वक्त पाको इवान को समझा रहा था कि अब से कीर्से शिकार में उसकी मदद करेगा।
इवान को समझ आया कि कीर से अपने पिता से अलग है और वो इवान को भगवान का दर्जा नहीं देता। ये बात इवान को पसंद नहीं आई और वो इसे अपनी बेइज्जती समझने लगा। कुछ दिनों बाद प्योरिता अपने घर से कहीं दूर चली गई और पेड्रो उसके बारे में पूछते हुए रेगुला के पास आया। प्योरिता के अफेयर के बारे में जानते हुए भी रेगुला ने कुछ नहीं बताया। पेड्रो के जाते ही नीएवेस ने अपने पिता को बताया कि उसने इवान और प्योरिता को पिछली रात देखा था, मगर पाको ने उसे चुप करा दिया। इवान तो घर लौट कर आया पर प्योरिता नहीं आई और इवान पेड्रो की बातों पर ध्यान ना देकर पाको के पास चला गया। वो पाको से कहने लगा कि अगले दिन वो अजारियास को अपने साथ शिकार पर ले जाएगा और पाको को उसकी बात माननी पड़ी। अगली सुबह इवान शिकार पर तो गया पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। घंटों तक जब एक भी पक्षी उसके हाथ नहीं लगा तो निराश होकर वो घर लौटने लगा और फिर इवान ने गुस्से में अजारियास के पालतू पक्षी को गोली मार दी। अजारियास उसकी मौत की वजह से रोने लगा पर इवान को कोई पछतावा नहीं हुआ और वो कहने लगा कि वो उसके लिए दूसरा पक्षी ले आएगा। दूसरी ओर पेड्रो अब तक परेशान था क्योंकि प्योरिता घर लौटकर आई ही नहीं। वो सारी रात चरीतो चिल्लाती रही और अजारियास का मानना था कि वो अजारियास के पक्षी की मौत की वजह से रो रही है। अगली सुबह जब इवान उसे फिर से शिकार पर ले गया तो अजारियास ने उससे बदला ले लिया और उसी को पेड़ से बांधकर उसकी जान ले ली। कुछ दिनों बाद चरीतो की अचानक मौत हो गई और इवान का खून करने की वजह से अजारियास को इस पागल खाने में डाल दिया गया। ये सारा सच जानने के बाद कीर से वहां से चला गया और अपने परिवार की गुलामों वाली जिंदगी से दूर आजादी ढूंढने शहर की ओर बढ़ने लगा ताकि वो पैसे कमाकर अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।